हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देख लीजिए, मैं घर के अंदर यानी कि क्या कर रही हूँ, कपड़े घर में क्यों फैला रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से धूप निकली ही नहीं है। और आज मैंने 2 दिन के कपड़े जो है धुले हैं, 2 दिन से नहीं धुले थे, तो आज मैंने कहा धुल देते चाहे नीचे ही टांग देंगे, तो वही मैंने नीचे रस्सी बांध के यहीं पर धुल के यहीं पर टांग दिया है। क्योंकि धूप का जब तक इंतज़ार करेंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और धुलना हम लोग को पड़ता है। तो फिर ऐसा, और ये देख लीजिए इतने ज़्यादा कपड़े धुले हैं, चारों तरफ से कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। घर पे रस्सी बांध के मैंने घर ही पे टांग दिया कि जब धूप खुलेगी तो फिर। और ये देख लीजिए छत पे भी या इधर भी पूरे कपड़े फैले हैं, और इधर रस्सी में देख लीजिए छत पे भी ऊपर भी टांग दिए कि हवा लगेगी तो हवा में ही धूप सूख जाएंगे यानी कि, तो इसलिए मैंने छत पे ही डाल दिए। और ये देख लीजिए इतने सारे कपड़े धुलने के बाद जो है मैं बैठ गई आग तापने, क्योंकि आपको पता है इतने सारे कपड़े वो भी ठंडियों में धुलना, फिर कपड़े भीग जाते हैं, गीले हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आग जला लेते हैं, फिर उसमें कपड़े भी सूख जाएंगे और जो मतलब ठंडी हाथों में कितनी ज़्यादा लग जाती है तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है आग जला लेंगे, और आग जलाते ही हैं, ऐसा नहीं धूप निकलती है तब नहीं जलाते, लेकिन जब धूप नहीं निकलती तो मैं ज़रूर जलाती हूँ, तो सभी लोग ऐसा करते हैं इतने समय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है दिन के बजे हुए हैं 3, और 3 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही, कुछ कहने की बात नहीं, कोई आज सबसे ज़्यादा मैंने काम किया और मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश है, जुकाम भी लग रहा है। आवाज़ आप लोगों को बैठी बैठी लग रही होगी, मेरी बदली बदली आवाज़ लग रही होगी। और आज मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धुले हैं, आप लोगों ने आगे की क्लिप में देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा कपड़े कई दिनों से, 2 दिन से तो रखे ही थे, तो बहुत ज़्यादा ठंडियों में तो वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, 3-3, 4-4 तो सभी लोग पहने रहते, तो बहुत ज़्यादा हो जाते। तो आज मैंने बहुत धुली हूँ और इतनी ज़्यादा ठंडी लग गई थी कि आग चला के अभी मैं तापी हूँ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन फेस कैमरा आप लोगों से अब बातें कर रही हूँ मैं। 3 बजे अभी मैं जा रही हूँ, आग जल रही है तो मैं ताप लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि ठंडियाँ बहुत लगी और मेरा गला देख लीजिए कितना बैठा बैठा लग रहा है। आज तो धूप बिल्कुल नहीं खुली, बिल्कुल नहीं निकली धूप, और कपड़े आप लोगों ने देखा होगा कि छत पे और नीचे मैंने दोनों तरफ मतलब दोनों जगह छत पे और नीचे रस्सी बांध के मैंने जो है डाल दिए हैं कपड़े, तो देखते हैं सूखेंगे। आज तो सूखेंगे नहीं, जब धूप होगी तभी सूखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को किचन में। और फ्रेंड्स आज ना कल रात से मैंने अपने मिट्टू को कुछ भी नहीं दिया है, और ये देखो जैसे बंद करके रखी थी मैं उसको, मतलब मिट्टू जैसे बंद थे वैसे ही बंद है, किसी ने भी खाना नहीं दिया और अंदर भी नहीं आया है। इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, यहाँ आया भी नहीं, वो याद भी नहीं था बिल्कुल। और मेरे मिट्टू आज बहुत ज़्यादा भूखे हो गए होंगे, ये देख लीजिए मिट्टू पड़ा है, लेकिन अमरूद बच्चों ने कल अमरूद डाला था ज़्यादा, ये देख लीजिए अमरूद तो पड़ा है फिलहाल, तो ये भूखा तो नहीं होगा। ठीक है आज पड़े रहने देते हैं इसको, अमरूद रखा है, पानी भी है, कल का होगा, बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपनी दादी के यहाँ चले गए और ज़्यादा वही उनकी देख रेख करते तो मुझे याद भी नहीं रहता है, तो फिर इसीलिए। और ये देखो कपड़े पहन के गए और ऐसे ही खुले ही पड़ी है, हमारे चूहे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि ये अगर खुली रह जाए तो ले जाए। तो मेरे मिट्टू आज भूखे, मैं सोची थी भूखे लेकिन भूखे नहीं है, उस पर पड़ा है अमरूद, कल रात में आधा खाया होगा, बड़ा था आधा खाया होगा आधा पड़ा है। और ये देख लीजिए बच्चे जैसे ही यहाँ पे डालते वैसे ही, रखने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं ही रखने वाली हूँ, और बिगाड़ने वाले फैलाने वाले 4 लोग हैं, 4 लोग नहीं मतलब 3 लोग। और मेरी खांसी बहुत आ रही है, ठंडी भी लग गई है, सर्दी भी है, जुकाम रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, दिन में तो कम करता है रात में बहुत करता है। तो अभी मैं चलती हूँ थोड़ा आग ताप लेते हैं, क्योंकि आग रखी है, ये देखो जल रही है, ये देख लीजिए आग जल रही है। और इतने चावल मुझे भी साफ़ करने थे लेकिन मैंने साफ़ नहीं किया आज, क्योंकि ठंडी हो रही तो मन नहीं कर रहा, कितने दिनों से चावल मुझे फिर बनाने हैं, थोड़े से बनाए थे एक दिन, फिर बनाना है, फिर बनाए भी मन नहीं करता, थोड़े थोड़े डाल देते हैं। और आग मेरी चल रही, बता पड़ी, फिर अभी जाती हूँ चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े धुले हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा इतने ज़्यादा धुले, तो मन लग ठंडी लग रही, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है चाय बना के अभी पी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा पहले ताप लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा अंधेरा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं जल रही है। तो मैं शाम को भी आप लोग को पता है इतना सा ठंडी हो रही तो आग हमेशा ही जलती रहती है, तो मैं ताप रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो शाम की तैयारी भी कर लेते हैं खाने की, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सेम की सब्ज़ी। तो वही मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के सेम भी काट लेंगे और साथ में जो है और इधर आलू भी काट लेंगे। और ये मतलब तैयारी करने में ही टाइम लगता है, फिर खाने में खाना बनाने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो वही मैंने सोचा जब बैठे ही हैं तो शाम की तैयारी करके रख लेंगे। और जैसे कि तैयारी करी रखी रहती है तो फिर बहुत फिर खाने में कोई वो नहीं होता कि टाइम लगे। तो फ्रेंड्स अभी मेरी आलू और सेम की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी, और हम लोग जा रहे हैं खाने, आप लोग भी खा लीजिए आके। और फ्रेंड्स ये देखो मेरे मिट्ठू जो है, ये देखो उनको खाना दे के सुला दिया है, मतलब खाना दे के बंद कर दिया है कि ठंडी ना जाने पाए उसमें हवा, ठंडी हवा नहीं जाएगी। और रूम इस रूम में केवल मिट्ठू रहते हैं और ये कपड़े रहते हैं, और बच्चों के रूम में मिट्ठू ने कब्जा अपना कर लिया है। बच्चों का रूम था तो उनके रूम में जो है मिट्ठू ने अपना कब्जा कर लिया, तो अकेले ही रहते हैं। लेकिन बंद रहता है रूम तब भी हम लोग बंद कर देते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है जब हम लोग रजाई ओढ़ते हैं कम्बल ओढ़ते हैं तो मिट्ठू क्यों ना ओढ़े, तो उनको भी बंद कर दें। इनके नीचे दो दो है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक उनके इनकी भी रजाई है कि ये देख लीजिए, एक ये बंद है फिर उसके बाद एक बोरी मैंने बंद कर दी क्योंकि ठंडी लगती है जैसे हम लोग की लगती है वैसे उनकी लगती है। तो फ्रेंड्स आज जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, यकीन नहीं मानेंगे, एक सेकंड के लिए भी धूप नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली धूप। और आज बच्चे भी बहुत परेशान हो गए, हम लोग भी बस काम किए, आग जलती रही सुबह से शाम तक, थोड़ी देर के लिए सिर्फ आग बुझी थी और जलाते ही रहे क्योंकि ठंडी अभी भी मेरे यहाँ थोड़ी बहुत आग जल रही है, सुलग रही है मतलब जैसे। तो मैंने कहा बर्तन वर्तन धुल लेते हैं फिर हाथ मतलब सेक लेंगे फिर लेट जाएंगे तो सही रहेगा, नहीं ठंडी लग जाती है और खांसी तो बहुत ज़्यादा हम लोग के जैसे ही नाम लेते वैसे ही आने लगती है। फ्रेंड्स रात के बजे हुए हैं 8, और 8 बजे मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है। और देख लीजिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि गले से बोला नहीं जा रहा, बहुत भारी भारी आवाज़ है और खांसी तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बच्चों के भी आ रही है भी। मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग भी नहीं की है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।